इंदौर शहर के पश्चिम एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने अपनी पुलिसिंग के कार्यों से हटकर एक ऐसी मिसाल शहरवासियों को दी है। एडिशनल एसपी चौबे ने दो मासूम बच्चों के माता पिता की कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो जाने के बाद उन मासूम बच्चों को एडिशनल एसपी ने एक निजी स्कूल में पढ़ाई के लिए निःशुल्क एडमिशन करवाया है। इंदौर पुलिस अपने कार्यों के अलावा समाज में लोगों की मदद भी कर रही है। ऐसी एक संस्था पश्चिम एडिशनल एसपी द्वारा बुजुर्ग लोगों को भोजन देने के काम कर रही है। संस्था के सदस्य जब बुजुर्ग महिला को भोजन देने पहुंचे तो महिला के पास दो मासूम बच्चे भी थे। उनके विषय में जब जानकारी ली गई तो पता चला कि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और वो अब दादी के पास ही रहते हैं। ये जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी चौबे ने बच्चों से मिलने पहुंचा और तत्काल ही अपनी पहल से एक निजी स्कूल के संचालक से बात कर दोनों बच्चों का स्कूल में निशुल्क एडमिशन भी करवा दिया। ये जैसा कि कोविड के दौर में सत्यकाम ग्रुप के माध्यम से हम लोग सेवाएं देते रहते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, बुजुर्गों के लिए। इंदौर पुलिस का एक सीनियर सिटीजन का पूरा फोरम है जिसमें 26,000 बुजुर्ग रजिस्टर्ड है। तो इसी दौरान एक हमारे वॉलंटियर जो है डेली एक घर में माला मिल के पास खाना देने के लिए जाते थे बुजुर्ग महिला को, 70 साल की महिला है वो। इसी दौरान उन्होंने एक दिन उनसे पूछा कि आपके घर में बच्चे दिखाई देते हैं और आप दिखाई देते हैं, इनके बच्चों के माँ बाप नहीं है क्या? तो उन्होंने बताया कि नहीं, 1-2 महीने पहले इनके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है और ये बच्चे अकेले हैं। एक उसमें बच्चा है छोटा और एक बच्ची है 4 साल करीब की, बच्चा मेरे काफ़ी 1.5-2 साल का होगा। तो काफ़ी एक चैलेंजिंग था उनके सामने। तो इसमें फिर हमारे वॉलंटियर ने ग्रुप में शेयर किया तो हम लोगों ने फिर हमारे ग्रुप के थ्रू उसमें उनके दूध वगैरह की व्यवस्था हमारे वॉलंटियर्स करते हैं। पर डे वॉलंटियर जाके दूध देता है, खाने का पैकेट देता है। और फिर चूँकि वो बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाए इसके लिए हम लोगों से संपर्क किया। तो एक विद्यावन स्कूल वाले जो है उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन अवेलेबल कराया। इस दिशा में कल उनको जाके एडमिशन के फॉर्म वगैरह सब दे दिए गए हैं और एडमिशन की फॉर्मेलिटी करके दोनों बच्चों का निःशुल्क एडमिशन करा दिया गया है। और उनको स्टेशनरी का सामान, ड्राइंग बुक और ये सारी चीज़ें होती हैं और खेल कूद के खिलौने और सारी चीज़ें देखी। कुल मिला के चूँकि एक मानवता का बड़ा प्रश्न है, ऐसे में एक मिसाल पेश करने के तौर पर भी सत्यकाम ग्रुप के लोगों ने बच्चियों के केयर टेकिंग को अपने हाथ में लिया है और लगातार वो लोग काम कर रहे हैं।